सिक्स, एक्स इज ए एलिमेंट ऑफ सेट 2, 4, 6, 9 एंड वाई इज देयर फॉर्म ऑल ऑर्डर्ड पेयर सच दैट एक्स इज अ फैक्टर ऑफ वाई एंड एक्स लेस देन वाई। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी थोड़े से अलग कॉन्सेप्ट पे जाती है, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। x क्या है? इस सेट का एलिमेंट है, मीन्स x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 2, 4, 6, 9 कुछ भी हो सकती है। एंड y इस सेट का एलिमेंट है, तो y की वैल्यू 4, 6, 18, 27, 54 कुछ भी हो सकती है। उसके बाद इन्होंने एक वर्ड यूज़ किया ऑर्डर्ड पेयर, मीन्स ऐसे एलिमेंट का पेयर बनाया जाए, पेयर मतलब दो ना, ऐसे एलिमेंट का पेयर बनाया जाए जिसमें एक पहला एलिमेंट एक सेट से हो और दूसरा एलिमेंट दूसरे एक अलग सेट से हो, तो ये ऑर्डर्ड पेयर कहलाएगा। और इनके बीच में कुछ रिलेशन होगा, मीन्स आप उनके ऑर्डर को आगे बदल नहीं सकते हो, तो जो पहला एलिमेंट है वो 100% दूसरे के साथ एक फिक्स रिलेशन को लगा रहा है। जैसे हम ये कह दें ए और बी, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, ये कह दीजिए ए फादर है बी का, तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि बी फादर है ए का, तो वो रिलेशन अलग हो जाएगा, इसलिए वो ऑर्डर्ड पेयर में ऑर्डर की भी ध्यान देना होता है कि कौन सा ऑर्डर सही है, उस ऑर्डर में आप क्वेश्चन को लिखिएगा। ऑर्डर्ड पेयर मतलब x कहाँ से होगा, यहाँ से, y कहाँ से होगा, इसमें से होगा। और दूसरी कंडीशन ये है कि x की वैल्यू हमेशा y से कम होनी चाहिए, तो ऐसे नंबर यहाँ पे आप लिखिएगा जिसमें x की वैल्यू y से कम हो। मतलब हम ऐसे नहीं लिख सकते 4 और 9 को ले लें, तो 9 तो ग्रेटर हो गया ना, हमें वो नंबर नहीं लेना है, जो पहला वाला एलिमेंट है वो हमेशा दूसरे वाले से कम होगा, ये रिलेशन इन्होंने बोला है। और एक कंडीशन और बताइए, सच दैट x इज़ अ फैक्टर ऑफ y, x क्या है, फैक्टर ऑफ y है, मीन्स दो कंडीशन एक साथ अब हमको दिखानी है कि पहला तो ये है कि x फैक्टर हो y का, मीन्स x डिवाइड कर दे y को, और दूसरा ये है कि x की वैल्यू लेस देन y है। अब जैसे हम 2 ले लें, 2, 4, तो देखिए 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 4 एंड 2 लेस देन 4, ठीक है ना, 2 4 का फैक्टर है एंड 2 लेस देन 4 है, तो ये ऑर्डर पर हमारा बन जाएगा। ऐसे हम 2 के साथ क्या ले सकते थे, 3 ले सकते, सॉरी 2 के साथ 6 को ले सकते थे, 2, 6 एंड 2, 18, 2, 54 लिया जा सकता था, क्योंकि 2 तो सबसे कम है, सबका फैक्टर है, सबको डिवाइड कर रहा है। अब 4 के साथ आप 4 को नहीं ले सकते हो, क्योंकि 4 लेस देन 4 नहीं है, वो तो इक्वल है, तो ये वाली कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो रही है, फैक्टर तक की तो बात चल जा रही है। तो 4 के साथ आप क्या ले सकते हो, 4 के साथ आप इसमें से किसी भी नंबर को नहीं ले सकते हो, क्योंकि और कोई भी नंबर आपका 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, जो डिवाइड भी हो लेस देन हो, तो 4 को हम लेंगे ही नहीं, सिर्फ 2 को लेंगे ना, 2 के साथ 4, 2, 6, 2, 18, 2, 54। अच्छा 6 के साथ आप किसको किसको ले सकते हो, 6 के साथ 18 लिया जाएगा, क्योंकि 6 18 को डिवाइड करता है और 6 लेस देन 18 है, 6 6 को भी डिवाइड कर रहा है, बट 6 इक्वल टू 6 है, हमको दो कंडीशन चाहिए, डिवाइड करे फैक्टर हो और दूसरा लेस देन हो, तो 6 18 ले सकते हैं, 6 54 लिया जा सकता है। अच्छा अब 9 के साथ आप किसको किसको ले सकते हो, 9 के साथ 18 9 27 एंड 9 54 लिया जा सकता है। तो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में जब आप लिखिएगा तो कौन कौन से रिलेशन बनेंगे, अब देखिए इतनी चीज़ें ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखी जा सकती है, 2, 4, 2, 6, 2, 18, 2, 54, 6, 18, 6, 54, 9, 18, 9, 27, 9, 54। इसमें से ऑर्डर पेयर में सबका पहला एलिमेंट पहले वाले सेट से है, सबका दूसरा एलिमेंट दूसरे वाले सेट से है, सारा पहला एलिमेंट फैक्टर है दूसरे सेट का, दूसरे एलिमेंट का, और सबका पहला एलिमेंट लेस देन सेकंड एलिमेंट, सबका पहला कम है दूसरे वाले से, तो सारी कंडीशंस फॉलो हो रही है। इसी तरीके से आप इसका क्वेश्चन का बी पार्ट सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड आउट ट्रुथ सेट ऑफ द फॉलोइंग ओपन सेंटेंसेस रिप्लेसमेंट सेट आर गिवन अगेंस्ट देम। बिल्कुल वैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा जैसे कि थर्ड क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया गया, तो आप थर्ड क्वेश्चन का वीडियो देख लीजिए, वहाँ से आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन नंबर 3rd, 5th and 7th सेम टाइप क्वेश्चन है, तो सॉल्व करिए उसको, ट्राई करिए उसको सॉल्व करने की, वरना कोई क्वेश्चन बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इन इक्वेशन 2 <r=2p-3><r=5। ओके हेंस ग्राफ द सॉल्यूशन सेट ऑन नंबर लाइन गिवन बिलो। इस नंबर लाइन पे आपको जो इसका सॉल्यूशन सेट होगा उसको रिप्रेजेंट करना होगा। तो क्या करते हैं, पहले इस क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं, उसके बाद इसका कैलकुलेशन देखते हैं।
ओके, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब इसमें देखिए, 2 लेस देन आर इक्वल टू 2p-3 एंड इट इज़ ऑल्सो लेस देन आर इक्वल टू 5। तो हम इसको और इसको लेके तो कोई काम कर नहीं सकते, तो ऑब्वियसली 2 लेस देन आर इक्वल टू 5 होते ही है। एक बार हम क्या करेंगे, इसको और इसको लेके सॉल्व करेंगे, एक बार फर्स्ट एंड लास्ट को लेके सॉल्व करेंगे, तो हमको मालूम हो जाएगी p की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है। पहली कंडीशन हमने क्या लिया, 2 लेस देन आर इज इक्वल टू 2p-3 एंड सेकेंड कंडीशन हम ले लेंगे 2p-3 लेस देन आर इज इक्वल टू 5। ये मिस्टेक होती है, आप 2p को इसके साथ ले लेते हो, 3 के को इसके साथ ले लीजिएगा तो वो रॉन्ग हो जाएगा। अक्सर बच्चे एग्जाम में ये काम करते हैं। हमको p की वैल्यू सॉल्व करनी है। नाउ 3 को इधर ट्रांसफ़र करिए, 3 + 2 = 5 लेस देन आर इज इक्वल टू 2p, मीन्स यू कैन से दैट 2p ग्रेटर आर इज इक्वल टू 5। देखिए का इंटरचेंज कर दिए, बीच का साइन चेंज हो गया, मीन्स पी ग्रेटर आर इज इक्वल टू 5/2, मीन्स पी ग्रेटर आर इज इक्वल टू 2.5। ओके, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गए। अब आते हैं सेकेंड को सॉल्व करते हैं। 2p-3 लेस देन आर इज इक्वल टू 5, मीन्स 2p लेस देन आर इज इक्वल टू 5 + 3 = 8, सो p लेस देन आर इज इक्वल टू 4। तो p की वैल्यू क्या मिल गई, 2.5 से ज़्यादा, एंड p की वैल्यू क्या मिल गई, 4 के इक्वल या 4 से कम। अब ज़रा से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में कहा क्या गया था। फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वेशन, तो सोल्यूशन तो हमको मिल गया, हैंस ग्राफ द सोल्यूशन सेट ऑन ए नंबर लाइन गिवेन बिलो। अब क्या करना है, जो भी सोल्यूशन मिला है इसको इस नंबर लाइन पे आपको रिप्रेजेंट करना है। अब देखिए, ये आपकी नंबर लाइन है, पी की वैल्यू 2.5 के इक्वल है या 2.5 से ज़्यादा है। तो 2.5 कहाँ होगा, मिड पॉइंट ऑफ बिटवीन 2 and 3 ना, ये वैल्यू हो गई 2.5, क्लियर। और लेस देन आर इज इक्वल टू 4, मीन्स 4 के इक्वल या 4 से कम। आपसे ये कंडीशन नहीं लगाया है कि इंटीजर है या रियल नंबर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू को डार्क कर देंगे। बस आपके पास अलग कलर की पेन होगी तो बेहतर है, बट कोशिश करिएगा कि ब्लैक पेन का ही यूज़ करिए, क्योंकि एग्ज़ाम की कॉपी पे ब्लैक या ब्लू पेन ही अलाउ है, और कोई पेन आप नहीं यूज़ कर सकते। तो इसी को डार्क कर लीजिएगा, वो समझ में आ जाएगा आप क्या एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। अच्छा, ये तो नंबर लाइन हो गई, बट इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था ये नंबर लाइन किस तरीके के नंबर को रिप्रेजेंट करती है। इंटीजर होगा, रेशनल नंबर होगा, रियल नंबर होगा, फ्रैक्शन होगा, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, क्या है। तो जो लाइन कॉन्टिन्यूड होगी वो नंबर आपका, नंबर लाइन आपकी रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेगी। मीन्स पी जो है यहाँ पर, ये रियल नंबर है, तो पी की वैल्यू क्या है, ग्रेटर आर इज इक्वल टू 2.5 एंड लेस देन आर इज इक्वल टू 4, वेयर पी बिलोंगिंग टू रियल नंबर, क्लियर। अगर इंटीजर वर्ड यूज़ कर देता, पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर होते, होल नंबर होते, नेचुरल नंबर होते, तो हम ये लाइन आपकी कॉन्टिन्यूड नहीं होती, डॉटेड करके लाइन बनी होती, ऐसे लाइन बनी होती फिर आपकी, क्लियर। ये चीज़ें इससे पहले के वीडियो में डिस्कस की गई है, आप इसका इंट्रोडक्शन टॉपिक ओपन करिएगा, वहाँ से आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। सिर्फ और सिर्फ ग्राफ बनाना इस चैप्टर में है, और कुछ नहीं है, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, इफ एक्स इज ए नेगेटिव इंटीजर फाइंड द सोल्यूशन सेट ऑफ दिस। अब क्या करना है आपको, पहले इसको सिंप्लीफाई करना है, उसमें से एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स की वैल्यू कैसी होगी, जो नेगेटिव इंटीजर होगी, ये ध्यान दीजिएगा कि वो एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। मीन्स वो सारे नंबर जो नेगेटिव इंटीजर हो और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें, वो इसके ट्रुथ सेट में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 अपने से ट्राई करिएगा कि स्टेटमेंट बनाना है आपको। अब देखिए यहाँ पे क्या, -2 को इंक्लूड किया जा रहा है, लाइन कैसी है, डॉटेड लाइन है, बट कलर क्या है, सारे नंबर को कलर किया जा रहा है। सो एक्स की वैल्यू क्या, -2, क्लियर, एंड एक्स इज़ अ रियल नंबर, सब इंडिकेट हो रहा है, तो वो नंबर आपका इंक्लूड हो रहा है, मीन्स एज ए रियल नंबर है, क्लियर। वरना डॉट डॉट सिर्फ इस पे नहीं होता, बीच में सर स्पेस होता, बट सारे स्पेस को कलर्ड किया है, यानी कि ये इंटीजर नंबर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए, डॉट इस पे है, इस पे है, बीच का पोर्शन आपका ब्लैक है, यानी कि ये आपका इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, कहीं नेगेटिव होगा तो नेगेटिव होगा, बट अगर कॉन्टिन्यूड सारी चीज़ें कलर्ड हो गई तो इसका सेंस है कि वो रियल नंबर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। वो इंटीजर के अलावा उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो
इंटीजर नहीं होंगे, डिसिमल के फॉर्म में होगा, रूट के फॉर्म में होगा, वो सारे नंबर वहाँ पे इंक्लूड किए जा रहे हैं। क्लियर? इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। सो आप इस वीडियो को देखिए, बाकी जितने क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं सॉल्व करने की कोशिश करिए। एग्जाम्पल इस एक्सरसाइज के बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सारे एग्जाम्पल को ट्राई करिएगा कि सॉल्व हो जाए। उसके बाद भी अगर से कोई प्रॉब्लम होती है आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय।